मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में, आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 में लगे हुए मोटर पंप की बिजली सप्लाई के मीटर का रिचार्ज खत्म होने के कारण पिछले 3 दिनों से सैकड़ों घरों में पानी की सप्लाई बंद है। लोगों के बीच बड़ी परेशानी है, खाना बनाने से लेकर पीने के पानी और भी कई तरह की घरेलू आवश्यकता के लिए कामों के लिए PSG के पंप स्टेशन से मिलने वाले पानी से ही इन लोगों के घरों के आवश्यक काम पूरे होते हैं। और कई ऐसे घर हैं जो सरकारी नल के पानी पर ही डिपेंड करते हैं। पिछले 3 दिनों से सरकारी नल का पानी नहीं मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुस्साए लोग कह रहे हैं कि यदि जल्दी यह समस्या दूर नहीं हुई और पानी इन लोगों को जल्द नहीं मिला तो सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नल जल योजना, जो काफी महत्वपूर्ण योजना है और दरभंगा शहरी क्षेत्र में ही लोगों को इस प्रकार की समस्या हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होती होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। स्थानीय वार्ड 36 की पार्षद फिरदौस जहां की मांग है कि हमारे वार्ड के इस्माइलगंज पंप स्टेशन से जो पानी की सप्लाई होती है वहां कम से कम रिचार्ज वाले मीटर नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि रिचार्ज वाले मीटर सिर्फ हमारे वार्ड में ही नहीं बल्कि किसी भी पंप स्टेशन पर नहीं लगना चाहिए। सप्लाई जानकारी ली परसों हमने, तो जो चालू करता है वो बोला क्या कि मेरे पास रिचार्ज नहीं है, इसीलिए पानी की सप्लाई बंद है। जैसे रिचार्ज होगा पानी की सप्लाई शुरू होता है। स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, जैसे घरेलू मीटर होता है। किस चीज का? पानी का। पानी का महीना में बिल आता, अब रात में अगर कम हो गया, दिन में कम हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया है, तभी तो परेशानी हो गई है। वैसे तो महीना का रहता आता, बिल देता, उसको पेमेंट करता। ये मीटर नहीं लगना चाहिए पानी टंकी में, कहीं भी पानी टंकी है शहर में, वहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। दरभंगा के युवा अब अपनी कला का प्रदर्शन कर मचा रहे धमाल। जी हाँ, दरभंगा के प्रसिद्ध और लोकप्रिय सिंगरों में गिने जाने वाले रूटलेस फ्लाई अपनी बेहतर प्रस्तुति से लोगों के दिलों को छूने का हर पल प्रयास कर रहे हैं। दरअसल रूटलेस फ्लाई के नाम से जाने जाने वाले का पूरा नाम यशराज है और ये 4 सालों से इस फील्ड में एक से बढ़कर एक गाना दे रहे हैं, साथ ही रैप भी दिया है जो दरभंगा वासियों को बेहद पसंद आया। हाल ही में उन्होंने बदल गया गाना लॉन्च किया और आज लहेरिया सराय में कमर्शियल चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में अपने सेनोरिटा एल्बम को लॉन्च किया। एल्बम में कुल 11 गाना सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर अवेलेबल है। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा के रहने वाले रूटलेस फ्लाई ने इस लॉन्चिंग पर कई लोगों को आमंत्रित किया। वहीं पंकज कुमार झा ने कहा कि दरभंगा के युवा हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। इनकी उम्र में जब हमारी सोच पॉकेट मनी तक ही सीमित होती थी, ये अपना ब्रांड खड़ा कर रहे हैं। मेरा रूटलेस फ्लाई है और मेरा असली नाम जो है वो यशराज है। ये मेरा पहला एल्बम होने वाला है जो कि 11 गानों का एल्बम है। इससे पहले हम सिंगल्स ड्रॉप कर रहे थे, मतलब एक एक गाने एल्बम बोलते हैं, जो मोर देन 8 सॉन्ग्स होते हैं जिसमें। तो ये मेरा पहला एल्बम लाइफ का जो कि पूरा कॉमर्शियल है और पूरा इंटरनेशनल वाइब के साथ है। ये थोड़ा फनी स्टोरी है, इसका मतलब है आवारा परिंदा। लाइक बचपन से आवारा आवारा सुनते सुनते ना ये आवारा परिंदा हो रहा है दिमाग में आ गया, तो उसको ट्रांसलेट कर दिया, तो इट वॉज लाइक रूटलेस फ्लाई। सिंगल्स मेरे हो चुके हैं 14, आफ्टर ड्रॉपिंग दिस एल्बम मेरे हो गए मोर देन 25 सॉन्ग्स। इसमें पूरे कॉमर्शियल गाने हैं जो कि क्लब में बज सकते हैं, लोग चिल करने वक्त सुन सकते हैं, ठीक है। इसमें लाइक कुछ भी सीरियसनेस नहीं, इसमें पूरा चिल वाइब और लाइक सूदिंग वाइब से भरा हुआ है, जो कि हर जगह आदमी अगर पार्टी कर रहा है तो उस टाइम मेरे गाने बजा के सुन सकता है जो इस एल्बम में है, ठीक है। जब थोड़ा उदास है तब सुन सकता है, ठीक है। हर तरीके के गाने बनाए गए हैं जो कि हर फीलिंग के साथ जा रहे हैं। सारे गाने इस एल्बम में? हाँ, सारे गाने। आप बताएंगे गा करके एक दो? जैसे एक गाना है जिसका नाम है बदल गया, ठीक है, तो वो थोड़ा हार्ट ब्रेक पे, ठीक है। तो इट्स लाइक कि
अब कुछ बोलने का फायदा ना, इश्क मानता कोई कायदा ना, हिप हॉप सुनने वाला बंदा बातें करने लग गया शायराना, मैं तो चला गया बोलो किसको सताते हो, पता है आज क्या हुआ किसको सुनाते हो, हम तो पीछे छूट गए तुम बोलो कहाँ पे हो, जलील हो के हारे क्या तुम जीत के पछताते हो, जब नज़रों से गिनाना था तो पलकों पर बिठाया क्यों, साथ ही छोड़ जाना था तो हाथ ही बढ़ाया क्यों, इतना ही सताना था तो प्यार ही जताया क्यों, अंधेरे में छोड़ जाना था तो रास्ता दिखाया क्यों, ये शख्स सब बारिशों में भींगता बहुत है, छोटी छोटी गलतियों से सीखता बहुत है, मजाक के सहारे दर्द को बयां करने लगा, इसके अंदर का सुनापन आजकल चीखता बहुत है। हाँ जी खुशी वाला भी है, ये भी लड़की के ऊपर है, कॉमर्शियल है, ठीक है, जैसे कि नचे जब लगे मैनु खिल तेरे उते कुड़िए आया मेरा दिल, कई हसीनाओं के साथ घुमा फेरा पर तेरे वर्गा होर कोई नहीं हो मिला, तेरी अखा दिखा जल मेरा जान लेना जाए, कोई ऐसे कितना खूबसूरत समझ न आए, कुड़िए ब्लश काफ़ी कर रही तुम मेरी ओर देख के, इस चेहरे का राज क्या है ये तो बताए, समा रुक जाए पूरा व्हेन यू वॉक इन, तेरे होठों की लाली व्हेन यू टॉक इन, इन जनानियों पे तो ध्यान ना दे जान छोड़ सब न तो कर अपना लॉक इन पॉप इन बेबी गर्ल, आंखों से वार न कर मेरे दिल पर, नोरा तो लग दिए वो दिल पर, डोरा एक्सप्लोरर जागा मेरे अंदर तो फिर चल मेरे घर। एक्चुअली मेरा तो टारगेट ऑडियंस मेन यंग जनरेशन वाले बंदे हैं जो जेन ज़ीज में आते हैं, ठीक है, तो उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि लाइक जो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो अबाउट म्यूज़िक, तो वो चीज़ आप मेरे एल्बम में एक्सप्लोर कर सकते हो, माई प्ले लिस्ट इज़ लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू यू, ठीक है, जिसमें सारे डिफरेंट फ्लेवर्स भरे हुए हैं, आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। एक तो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ दरभंगा में कि जो यूथ है बिल्कुल जो बिहार को परिभाषित करती हुई जो चीज़ें लोगों को भ्रांतियाँ हैं उनको बिल्कुल तोड़ रही हैं लोग, अब इन लोगों को पता है ब्रांड्स कैसे खड़ा करना, जिस उम्र में हम लोग अपने आप को देखते हैं कि एक पॉकेट मनी तक हमारी सोच सीमित थी, अब ये लोग अर्न कर रहे हैं हर सेंस में, मतलब अर्न करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाने से ही नहीं है, कई लोगों ने तो अपना ब्रांड खड़ा कर दिया। इसी कड़ी में सबसे मजबूत मैं यशराज को भी पाता हूँ, उसने रूटलेस फ्लाई करके जो अपना एक क्रिएशन किया है और म्यूजिक में जो इसका एक है अपना, जिस तरह के ये गाने अभी ये गा रहा है आने वाले समय में बड़ा नाम बनेगा, और बिल्कुल इसको मतलब सुन के ही लगता है कि एक दरभंगा से भी एक सितारा अब आ चुका है जो अब कॉम्पीट करेगा, अपने आप को दिखाएगा, छा जाएगा। इसका ये म्यूजिक एल्बम भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी सुनने में भी आप लोगों ने उसमें आग्रह करूँगा सुनिए भी, और काफ़ी आपको इसमें वो चीज़ दिखेगी, वो वाइब्स दिखेगी जो एक चाहिए यूथ और एक जनरेशन की डिमांड होती है। महज 4 इंच जमीन के विवाद में मां बेटी की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस, आरोपित पर 12 राउंड गोली चलाने का आरोप। यह बड़ी खबर मधुबनी के फुलपरास से है, फुलपरास से यह बड़ी खबर, जहां फुलपरास के सुदई गांव में मंगलवार को पट्टीदारों के बीच महज 4 इंच जमीन के विवाद में युवक ने चचेरे भाई और बड़ी माँ यानी माँ बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी संजय ने बीच बचाव करने आए चाचा, चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति को भी गोली मार दी। तीनों को गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, तीनों की हालत नाजुक है। आरोपी और उसका पूरा परिवार गांव छोड़कर फरार है। पुलिस के अनुसार संजय झा ने 12 राउंड गोलियां चलाई हैं, मौके से 2 खोखे भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी संजय ने सुबह 11 बजे पहले चचेरे भाई अशोक झा को 3 गोलियां मारी, उसे बचाने आए अशोक झा की माँ बिमला देवी को 2 गोलियां मार दी, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अशोक के मुंह, कनपट्टी और पेट में गोली मारी गई, जबकि उनकी मां को ये सीने में गोली लगी। अशोक झा को बचाने आए चाचा शंभुनाथ झा, पुत्र हरिओम झा और बमबम झा को भी संजय ने पैर और पेट में एक एक गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, इसी दौरान पास के राकेश पासवान को भी एक गोली मार दी। SDPO सुधीर कुमार के अनुसार संजय झा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। ग्रैब द स्पेशल एडमिशन ऑफर ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा। From 14th to 18th February, Birla Open Minds International School, Jeevach Ghat, Darbhanga. Nurturing India's Tomorrow, pre-nursery to grade 9. For details, call or contact office.
ग्लोरियस 39 ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर, डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल, डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशन्स आर फ्री। 13 फरवरी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा परिसर में किया गया है अप्रेंटिसशिप कैंपस सिलेक्शन का आयोजन। प्राचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा बताया गया कि 13 फरवरी 2024 को टाटा मोटर्स सानंद गुजरात के द्वारा अप्रेंटिसशिप कैंपस सिलेक्शन का आयोजन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा परिसर में निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसमें सभी ट्रेड के ITI उत्तीर्ण और अपीयरिंग कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि ITI पास, NCVT, SCVT उम्मीदवार ही भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं एवं 12वीं पास किसी भी संकाय के साथ एवं ITI पास पुरुष महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है तथा उम्र 18 से 23 वर्ष, चयन इंटरव्यू साक्षात्कार के द्वारा 13 फरवरी सुबह 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक किया जाएगा। कंपनी के द्वारा प्रतिमाह स्टाइपेंड 12,850 रुपये, उपस्थित पुरस्कार 7,500 रुपये क्वार्टरली प्रदान किया जाएगा। कैंटीन, यूनिफॉर्म, मेडिकल, ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी के नियमानुसार दिया जाएगा। वाहन जांच के दौरान मारा थप्पड़, पूर्व में भी हो चुका है पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP ने लिया ये एक्शन। मधुबनी जिले में मंगलवार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन का बताया जा रहा है, जहां पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर पुलिसकर्मी वाहन जांच कर रहे थे। वीडियो में एक ASI वाहन जांच के दौरान थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में सुना भी जा सकता है, उक्त पुलिसकर्मी बाइक की चाबी मांग रहे थे, चाबी नहीं देने पर पुलिसकर्मी ने बाइक सवार को थप्पड़ मार दिया। उक्त पुलिसकर्मी की पहचान हरलाखी थाने में कार्यरत SI ध्यानी पासवान के रूप में हुई है। वहीं इस मामले में मधुबनी के SP ने कार्रवाई करते हुए SI ध्यानी पासवान को सस्पेंड कर दिया है। मंगलवार से ही सोशल मीडिया पर वाहन जांच के दौरान थप्पड़ मारने का यह वीडियो वायरल हो रहा था। वहीं इस मामले में मधुबनी पुलिस ने सोशल मीडिया से जानकारी दी है। इसमें लिखा गया है कि हरलाखी थाना के पुलिस अब निरीक्षक ध्यानी पासवान द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संदर्भ में प्रथम दृष्टया उक्त आरोप के लिए हरलाखी थाने के पुलिस अब निरीक्षक ध्यानी पासवान को निलंबित कर दिया गया है। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। पूर्व में भी इसी थाने के ASI का रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल, SP ने उन्हें भी किया था सस्पेंड। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लोपुर, लहेरिया सराय, दरभंगा। अ ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस ब्रिंग्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन दरभंगा। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग, ट्रेंड टीचर्स, आर्ट लेबोरेटरी, सेपरेट किंडरगार्टन एरिया, एडमिशन ओपन। श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा एक बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि जाले के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत जाले प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा राधाकृष्ण स्वीट्स एंड चाट कॉर्नर कमतौल से एक बाल श्रमिक को भी मुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उसे बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।